काय करते परी? आलू पत्ता बनवते। आलू गुड मॉर्निंग। तो अभी बज चुके सुबह के 11 और आज मैं बना रही हूँ खाने में आलू पराठा। तो यहाँ पे मैं आलू पराठा का मसाला बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, फिर जीरा डाला। जीरा थोड़ा सा भुनने के बाद उसमें डाली मैंने ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने बहुत कम डाली, सिर्फ 2 डाले, क्योंकि परी भी हमारे साथ आलू पराठा खाती है इसीलिए। फिर उसके बाद उसमें डाला हल्दी, और यहाँ पे मैंने आलू सुबह मैंने उबाल के लिए थे ना, तो वो मैं हाथ से ही बस मैश कर रही हूँ, क्योंकि आलू बहुत अच्छे से उबले थे तो इसलिए उसको घिसने की या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। बस ऐसे ही मैश कर दो तो भी बहुत अच्छे से वो क्या बोलते हैं, मिक्स हो रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और फिर उसमें डालूँगी सारे मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल दूँ चाट मसाला, और जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जीरा डाला था और मेरी जीरा पाउडर ख़त्म हुई है इसलिए मैंने जीरा पाउडर नहीं डाली। फिर चाट मसाला डाला, देन नमक डाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला। मिर्ची पाउडर नहीं डाली क्योंकि परी भी खाएगी इसलिए, और ग्रीन चिली डाली है, और गरम मसाला भी बहुत हल्का सा डाला, हल्दी पाउडर से भी कम। और इसमें हम डाल सकते हैं धनिया भी, लेकिन मेरे पास धनिया ख़त्म था। धनिया अगर हो ना तो बहुत अच्छा कलर आता है, तो मेरा धनिया ख़त्म हो गया था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 5 मिनट तक उसको गैस पे रखूँगी, जिससे कि वो अच्छे से एक जूस हो जाए इसीलिए। और यहाँ पे मैंने आधा आलू रखा है साइड में, तो अगर ये थोड़ा भी तीखा लगा तो परी नहीं खाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग से स्टफ़ बना के रख रही हूँ परी के लिए। तो बस आधे आलू को मैश कर लिया, उसमें हल्का सा नमक, हल्दी से हल्दी पाउडर और चाट मसाला इतना डाल के मिक्स कर लूँगी। और जैसे मैंने पहले बोला कि जीरा पाउडर ख़त्म हो गई थी, नहीं तो फिर जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं आप। इसमें काला मिरी की पाउडर जो आती है ना, काली मिरी पाउडर, ब्लैक पेपर, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो भी ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक रखा था गैस पे आलू पराठे का स्टफिंग, और अभी अच्छे से बन गया है। तो अब गैस बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने दूँगी, फिर उसके बाद मैं आलू पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग भी बना के रखा है और आटा भी लगा के रखा है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं आया था, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, हिंदी पे ब्लॉग कब आएगा, मराठी पे ब्लॉग आ रहे थे तो हिंदी पे कब आएगा, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। कुछ इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए। ये भाई ये ओके तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग कर दूँ। और मुझे परी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो उसमें का एक दो क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो अभी तो मुझे काम करना है, आलू पराठे बनाने हैं। आज का हमारा लंच आलू पराठे। ठेव दिगड़ा ठेव दिगड़ा। तो आज का हमारा लंच आलू पराठे, सो मैंने प्रिपरेशन करके रखा है, बस अभी बनाना बाकी है। अभी बज चुका है सुबह का नहीं, दोपहर के 12 बज चुके हैं, और आज की डेट है 2 फरवरी। सो अभी मैं पहले आलू पराठे बना लेती हूँ, फिर दोपहर को जो परी सो जाएगी ना, तब मुझे टाइम मिलेगा, तब मैं परी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती थोड़ी देर के बाद, और परी को भी दिखाती हूँ। काय करते तू? हाय हाय कर। नहीं अभी तो नहीं करना है, तो डायरेक्ट बोलती नहीं। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बनवते चपाती आलू पराठा बनवते। ओहो अरे वाह, मस्त बनवला ग तू आलू पराठा, मस्त बनवला, यम यम। मला देशील का खायला तुझा आलू पराठा? हो कि नाही पाहिजे? उतरी काय झालं? अरे चा काय टॉर्टॉइस कसा चालतो? आणि रॅबिट
से चल तो। तो अभी यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ आलू पराठे बनाने के लिए, और परी मैडम भी आ गई है। तो मैं जब भी रोटी या पराठे बनाती हूँ ना, तो परी भी आ जाती है और साथ में बैठ जाती है कि मुझे भी दो आटा और मैं भी बनाऊँगी। तो अब मैडम भी बैठ गई नीचे। तो आज मैं आपके साथ ना 3 टाइप शेयर करूँगी आलू पराठा बनाने के, जिससे कि आपके आलू पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे। मेरे भी ऐसे पहले होते थे कि मेरे आलू पराठे फूट जाते थे, लेकिन अब ये जो मैं अपने तरीक़े से बनाने लगी हूँ ना, तब से मेरे आलू पराठे बहुत अच्छे से बनते हैं, फटते नहीं है। तो वो तीन जो स्टाइल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये, तो आपको एक मीडियम साइज़ की रोटी बना लेनी है, फिर इसको बीच में से कट कर देना है, फिर उसमें स्टफिंग भर देना है और इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, जो उसके कॉर्नर है वो रोटी चिपका देनी है। फिर आपको फिर से एक बार फोल्ड करना है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और देन अगेन, और आपके जो कोने हैं ना उनको आप चिपका दो। तो इससे क्या होगा ना, स्टफिंग जो हमने भरा है वो पूरे कोने तक जाएगा। मतलब कहीं पे भी ऐसे कॉर्नर में होता है ना कि स्टफ गया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, पूरे कोने तक स्टफिंग जाएगा और आपका जो पराठा है वो काफ़ी अच्छे से बनेगा और फूटेगा भी नहीं। मतलब मेरे ठीक ठाक बना लेती हूँ, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ठीक ठाक बना लेती हूँ। देखिए, आप फूटता नहीं है और ऐसे क्या बोलते ख़राब नहीं होता है, ठीक ठाक बन जाता है, खाने लायक बन जाता है। वैसे भी हर कोई चीज़ हम खा ही सकते हैं, लेकिन ऐसा फूड अगर अच्छा बना रहा तो अच्छा लगता है देखने में भी, तो इसलिए। अब ये मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करती हूँ। तो आपको फिर से मीडियम साइज़ की रोटी बना लेनी है, लेकिन इस बार रोटी बनाते टाइम आपको कॉर्नर पे ज़्यादा बेलना है, मिडल में नहीं। फिर इसमें आपको स्टफिंग भर देना है और इसको ना कुछ इस तरह से, जैसे हम मोदक कैसे बनाते या मोमोज कैसे बनाते, वैसे पूरा ऐसा ये कर लेना है। और ऊपर का जो एक्स्ट्रा का लेयर होता है ना, वो आपको निकाल लेना है, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता है फिर, या आप उसमें दबा भी सकते हो एज यू विश। फिर इसको ऐसे दबा के, एक्स्ट्रा का निकाल के फिर मैंने दबा दिया, और कुछ इस तरह से आप प्रेस करोगे ना, तो अभी भी पूरे कोने तक आपका स्टफिंग गया है। तो ऐसा नहीं कि आपके कोने में स्टफिंग नहीं होता, बस मिडल में नहीं रहेगा, पूरे कोने तक स्टफिंग जाएगा और आपका पराठा फटेगा भी नहीं। तो कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से बना है, और आप देख सकते हो मैं कितना उसको हिला रही हूँ, जैसे हम रोटी बनाते वैसे मैं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से बन जाते। तो कुछ इस तरीके से आप ये भी बना सकते हो। और जब सेकते हो ना, तो लो फ्लेम पे सेकना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पहला मैंने बनाया था ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने पहले एकदम लो पे रख दिया था, फिर उसके बाद जब मेरा वो दूसरा पराठा बन के हो गया, तब मैंने मीडियम गैस करके उसमें अच्छे से घी लगा के, मैं घी खा रही हूँ क्योंकि मुझे मोटा होना है। आप घी खाओ, ऑयल खाओ जो आप खाते हो, लेकिन मुझे मोटा होना है इसलिए मैं घी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि घर में मैं घी बनाती हूँ, तो फिर मस्त मज़े होते मेरे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पराठा सेक लिया। पराठे को अच्छे से प्रेस करते करते अगर हम सेकते हैं ना, तो उसकी जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छी आती है। और ये जो दूसरी स्टाइल है ना पराठा बनाने की, ये मुझे आंटी ने बताई थी, वो जो दिल्ली वाले आंटी आए थे ना, तब उन्होंने मुझे बताए थे। वो तो मस्त ऐसे मोटे मोटे बनाते थे, लेकिन मेरे तो पतले पतले बन जाते। अब ये तीसरी स्टाइल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें 2 रोटियाँ बना लेनी है। ये सबसे आसान तरीका है, ये कोई भी बना सकता है, और इसमें का फटता नहीं पराठा। लेकिन ये जब हम बनाते हैं ना, इसका क्या होता है ना प्रॉब्लम, ये कोने में नहीं जाता है, जो हम मसाला भरते हैं ना उसके अंदर, वो कोने तक नहीं जाता है। तो वो कैसे जाएगा, वो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, मतलब ये स्टाइल शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी छोटी पूरियाँ बना ली है। अब इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ, जितना आपको डालना है उतना डाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप पूरन पोली बना सकते हो, या कोई भी स्टफिंग वाली चीज़ जो आप बनाते हो, पनीर पराठा वगैरह, इन तीनों में से कोई भी तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पूरे कोने तक स्टफिंग भरने के बाद ना, जो मैं ऊपर की रोटी लगा रही हूँ ना पूरी, वो कोने में दबा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से रख दिया और बस प्रेस कर दिया, एकदम कोने में दबाओगे ना, फिर आप जब मिडल से दबाओगे ना कुछ इस तरीके से उंगलियों से, तो ये जो आपने स्टफिंग भरा है वो पूरे कोने तक जाता है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी स्टाइल से बनाओगे ना, तो आपका जो स्टफ है ना वो पूरे कोने तक भी जाएगा और आपका पराठा फटेगा भी नहीं। तो आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगे आप वैसे बना सकते हो।
तो मैं कुछ इस तरीके से पराठे बना दूँ जिससे कि मेरे पराठे फटते नहीं है। और एक बात, जो मसाला बनाया हमने उसमें आप ऑनियन, ग्रीन बेल पेपर ये चीज़ें भी डाल सकते हो जिससे कि आपका पराठा जो वो हेल्दी होगा। मेरे पास ये नहीं था, ग्रीन बेल पेपर नहीं था, मतलब कैप्सिकम नहीं था, इसलिए मैंने फिर ऑनियन भी नहीं डाला। लेकिन आप ये सारी भी चीज़ें बनाओगे ना तो आपका जो आलू पराठा वो एकदम ऐसा हेल्दी आलू पराठा बन जाएगा। तो बस ये अभी मैं फटाफट सारे आलू पराठे बना लेती हूँ। और ये देख सकते हैं आप, देखिए पूरे कोने तक गया है मसाला जो है, और वो तीनों में भी ऐसा हुआ है कि पूरे कोने तक मसाला गया है। ऐसा नहीं कि कॉर्नर में बस रोटी रोटी लग रही है और अंदर की साइड मसाला है, तो ऐसा नहीं है, एकदम कोने तक मसाला गया है। और ये देखिए मस्त मेरे आलू पराठे आप देख सकते हो। अगर हम ना मीडियम पे बनाते, मीडियम या लो पे ना, तो आपका जो कलर आता है ना आलू पराठे का वो भी ब्राउन आता है। अगर गैस फास्ट रखोगे तो फिर ऐसा जल्दी से जल जाएगा। और आप तवे को थोड़ा इग्नोर कीजिए कि इतना ख़राब लग रहा है। मुझे एक बार कमेंट भी आई थी तवा आपका बहुत ख़राब है, आप चेंज करो। तो मेरे पास ऑलरेडी दो तवे हैं, लेकिन मुझे यही तवा बहुत पसंद है क्योंकि मुझे अभी इसका इसकी आदत पड़ गई है, इसके ऊपर जल्दी से गर्म होता है, इसका जो गर्म होने का टाइमिंग वगैरह वो सब मुझे पता है, इसलिए मैं इस पर बनाती हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी दो तवे है। तो ये जो है ये सबसे पहली वाली रोटी थी जो हमने वो तीन बार फोल्ड करके बनाई, ये जो थी वो पूरे एक की बनाई थी, और ये जो तीसरी वाली है ये दो की बनाई है। तो ये कुछ इस तरीके से ये तीनों पराठे है, और तीनों में से एक भी फटा नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से बना है। तो आप भी कुछ इस तरीके से पराठे बना सकते हो। तो चलिए मैं अभी जाके हम खा लेते हैं, मस्त गर्म गर्म पराठे खाने में मज़ा आता है दही के साथ। और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो अभी बज चुके हैं 2:15 और खाना वगैरह हो गया है, और अभी टाइम है परी को सुलाने का। परी को सुलाने का टाइम है, हालांकि परी बस भागती रहती है, उसको सोना नहीं होता है, फिर उसको ऐसे बहाने देने होते हैं कि जैसे पहले सो, मतलब मैं मराठी में बोलती हूँ लेकिन आपको अभी हिंदी में समझा रही हूँ, तो पहले सो जाओ फिर उठना, फिर चॉकलेट मिल्क पीना, फिर रेडी होना, फिर हम भूल जाएंगे, या फिर ये आने वाली है वो आने वाली, मिलने दीदी मानने दीदी ऐसा कुछ, या फ्रेंड आने वाली दे रही, ऐसे कुछ कुछ बहाने देने पड़ते, तो ऐसे पकड़ना पड़ता है। ऐसा मस्त एक्सपीरियंस रहता है ना, सोना होता है उसको 10 मिनट में सो जाती है, लेकिन फिर भी जब तक उसको गोदी में लो नहीं ना तब तक ऐसे बस भागती रहती है। परी आता झोपाय बर का झोपाय, अभी तो कोई नहीं, अभी तो भागेगी जब पकड़ने जाऊंगी तभी। तो अब मैं परी को सुला देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ, वैसे मैं अभी भी कर सकती हूँ। हाँ, तो मुझे एक कमेंट आया था, एक्चुअली 2 कमेंट्स मुझे जवाब देने, कोशिश करूँगी दोनों के दूँ। एक का सवाल अभी याद नहीं आ रहा है, एक आ रहा है वो बता दूँ। तो मुझे कमेंट आ रही थी कि मैं मेरी बेटी या बेटा 2 साल का है, मराठी चैनल पर कमेंट्स आई थी प्रणुची परी ये चैनल पर, कि मेरी बेटी या बेटा 2 साल का है लेकिन वो अभी तक ज़्यादा बोलती नहीं है या कुछ, परी इतनी होशियार कैसे है। तो परी के साथ ना हम बहुत सारी बातें करते, पहली बात तो, और परी जब ना 12 या 13 महीने की थी ना, उस टाइम पे मैंने परी के लिए बुक्स ला कर रखी थी कि जिससे वो पढ़ पाए। तो तभी मुझे कमेंट भी आई थी कि मैंने बहुत जल्दी बुक्स लाए, पर कोई नहीं, परी अगले 1-2 महीने में बुक्स में वो चीज़ें सीखने लगी, जैसे कि फ्रूट्स हो गया ये सब चीज़ें। और वो टीवी भी जब देखती थी तो उसमें राइम्स लगा के देती थी, उससे भी वो एक्चुअली परी, मतलब मैंने और ज़्यादा बच्चों को नोटिस नहीं किया है लेकिन परी बहुत होशियार है, वो जल्दी से कोई भी चीज़ कैप्चर कर लेती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, परी को हमने मीनिंग कैसे सिखाए, बाकी तो चलो ठीक है 1 to 100 हो गया, ABCD तो हम टीवी में देख के बता के सिखा सकते, लेकिन मैं परी को बहुत सारी चीज़ों का मैं मीनिंग भी बताती हूँ। जैसे कि भिंडी मीन्स ओकरा, पालक मीन्स स्पिनैच, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है मैं बताती हूँ, आज के 6-7 महीने पहले की ये बात है। 6-7 नहीं, ज़्यादा होगी शायद, परी मुझे लगता है 1.5 साल की या 20 महीने की थी उस टाइम की बात ये। तो परी का जो पीने का पानी ना, उसको परी मम्मम बोलती है, और जब वो नहाती ना तब मैं उससे बात करती थी ना, तो ये देख पानी से नहाना है, तो पानी पानी ये बात हुई। और जब वो ABCD देखती थी ना, तो W for water उसने सीखा था। तो एक बार ना, और जब वो टीवी में W for water देखती थी ना, तो कोई कोई जो वीडियोज होती ना उसमें से रियल वाला पानी दिखाते हैं, जैसे कि नदी वाला या फिर वो झरना वाला, ऐसा पानी रियल वाला पानी दिखाते। तो जब हम नहाते थे ना, तो एक बार उसने ऐसे बोला कि वाटर, तो मुझे पता चला कि परी को ये पता है कि ये वाटर है। तो मैंने उसको बोला पानी मीन्स, तो वो खुद बोल रही वाटर, तो वो मीनिंग उसने अपने आप लगा लिया क्योंकि उसने वहाँ पे भी वाटर देखा और यहाँ पे जो वो पानी है, तो मतलब उसको ये पता चला कि दोनों चीज़ें है, कि नाम बस अलग अलग है, ये चीज़ें उसको पता चली। तो मैंने फिर उस मुझे उस टाइम पे माइंड में क्लिक हुआ
कि मतलब परी को मैं जो मीनिंग भी सिखाना है ये तो मैंने सिखाया नहीं, ये पहली बात, और ये सीख रही है अपने आप। तो परी ने ना आज तक बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीखी, मैंने बस उसको पॉलिश किया है या उसको क्लियर की वो चीज़ें, कोई चीज़ उसको क्लियर नहीं होती ना तो उतने बस क्लियर करने के काम करती रही हूँ मैं अभी तक, वही मैं करती हूँ। हो लावते जॉनी जॉनी, ओके लावते फैमिली, तो मैं ये करती हूँ। तो आप भी आपके बच्चों के साथ कर सकते हो कि आप जब वो कुछ मतलब नोटिस करो, सबसे बड़ी बात ये होती ना जब हम पेरेंट्स होते हैं ना, हमारे सबसे बड़ा काम ये होता है कि बच्चों को नोटिस करो। ये आजकल के बच्चे ना बहुत होशियार हैं मतलब परी तो भी रिमोट भी चला लेती है, हो थाम अगर थे वाईफाई चालक ने, आजकल के बच्चे बहुत होशियार है तो उनको सब पता होता है, बहुत जल्दी बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। अभी परी के सामने आज तक कभी हमने पैसों की कभी बात नहीं की है ना, मैंने उसको कभी नोट हाथ में दी या कभी चिल्लर हाथ में दिया कभी दिखाए, लेकिन उसको पैसे का मतलब पता है क्योंकि उसने हमें बहुत बार देखा है कि हम दुकान वाले को पैसे देते तब उससे कोई चीज़ लेते हैं, ऐसे बहुत टाइम पे उसने हमें नोटिस किया निकाल के पैसे दिए, तो इसने देखा तो ये बोलते पैसा दे पैसा दे पैसा दे, तो बोलते पैसा दे दूध आना है चा पैसा दे एग आना है चा पैसा दे, तो क्या कह रहे थे तुम्हें पैसा और क्या है, 10 रुपए दे 10 रुपए दे क्या दे, दस रुपए 10 रुपए कहा था इतिहास का, क्या कह रहे थे तुम्हें 10 रुपए 10 रुपए क्या कह रहे थे, तो बीच में 3-4 दिन तो पीछे पड़ती थी, हर बार उसने मेरा पर्स देखा या कुछ, उसको याद आया ना कि पैसे दे पैसे, तो मैंने क्या किया हमारे यहाँ पे नीचे स्टेशनरी शॉप है वहाँ पे जाके वो नकली नोट मिलते हैं ना वो लेकर आई, जिसमें कि 5, 10, 20, 50, 100, 2000, 500 ऐसे सारे नोट एक 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 दी, उसमें कि एक नोट मैंने दी उसको कि ये ले तुझे अपना पैसा, तो 100 के नोट दिए, पता नहीं तुझे पैसे कुटे का दाखो को तुझे पर्स मेरे पैसे होते ना, दाखो माँ तुझे पैसे कुटे आत्मा दिए, अच्छा जाओ दे नंतर अपन दाखूया, तो मैंने ये किया कि भाई असली वाले कभी नोट निकाल के फाड़वाड़ ना दे, तो इसलिए मैंने नकली नोट का पैकेट ला के दिया, पूरा पैकेट नहीं दिया एक नोट उसने की निकाल दी। तो मेरा बताने का मतलब ये है, रीज़न ये है कि आजकल के बच्चे बहुत होशियार है, बस आप उनको नोटिस करो कि वो क्या चीज़ सीख रहे हैं और फिर आप ये करो कि आपको उनको वो चीज़ किस तरह से उनके दिमाग में बिठानी पॉजिटिव वे में, या अगर कोई चीज़ गलत है तो ये कैसे गलत है या ये चीज़ का मीनिंग क्या है, वो बस आपके हाथ में है। बच्चे बहुत होशियार है, बहुत स्मार्ट है आजकल के बच्चे, बस ये है कि हम उनको वो चीज़ें कैसे देते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो परी को वही करती हूँ मैं पहले से, परी जब राइम्स देखती है उसको अगर वो थोड़ा मतलब कोई चीज़ का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रही तो मैं प्रोनाउंसिएशन बराबर बोलती हूँ, वो भले ना गलत बोले उसको समझा के देखती हूँ, अगर वो नहीं समझ रही तो ठीक है मैं बराबर प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, वो गलत बोले तो भी वो धीरे धीरे सुनते सुनते वो सीख जाती है। तो आप भी आपके बच्चे के साथ ये करो, बहुत सारी बातें करो, उनसे स्टोरी सुनाओ, मैं नाइट टाइम में परी का पूरा रिवीजन करवाती हूँ 1 से 100 तक, 100 तक बोलो मराठी में, 1 से 1 से 100 तक बुलाती हूँ, ABCD ये सब रिवीजन करते करते ना बराबर माइंड में होता है, हम भी तो ऐसे बड़े हुए हैं तो बच्चे भी वही, बस ये कि बच्चों को बहुत चीज़ें जल्दी समझ में आती है तो आपको उनको नोटिस करना है, जब वो कुछ सीख रहे हैं तो उनको वो चीज़ें क्लियर करनी है, उनको अच्छे से पॉलिश करना है बस, और कोई नहीं सिखा सकते, मैं एक बारी को ऐसे सिखाती हूँ इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बच्चों को जितना उतना एक्सप्लोर करो, जैसे कि अगर आप बाहर भी गए हो तो जो चीज़ें दिख रही, जो भी दिख रहा है आपको, पेड़ दिख रहा है पेड़ दिखाओ, डॉग दिख रहा है डॉग दिखाओ, ऑटो दिख रही ऑटो दिखाओ, जो भी दिख रहा है, मैं थोड़ा भी नीचे गई हूँ ना, एक तो मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ नीचे, लेकिन जितना भी जाती हूँ ना मैं फिर दिखाती रहती हूँ, कलर्स दिखाती हूँ, जो भी चीज़ देखी मतलब हम कितनी चीज़ें देखते हैं, या अगर भी हम गैलरी में भी बैठे ना तो यहाँ से भी हम देखते हैं, वो देखो ऑटो गई, वो देखो साइकिल है, फिर वो साइकिल और परी की साइकिल सेम सेम, ऐसी चीज़ें, तो मैं इस तरह से कुछ सिखाती हूँ। तो बस यही सब बताना था, अब मैं परी को सुला देती हूँ, वैसे 2 बज गए, 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो मैं अभी परी को सुला देती हूँ, फिर परी 2 से 3 घंटे सो जाएगी। और एक सवाल का है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसका जवाब मुझे थोड़ी देर के बाद याद आया, सब मैं देती हूँ। परी चला तो झोपायच बर का झोपायच, मग तुला ना संध्याकाळी भूर जायचं ना, मान्य दीदीकडे जायचं ना, आज आपण मान्य दीदीकडे जाऊया, हां मान्य दीदीकडे आधी झोपायच, तू कर झोपायच, मग काय करायचं झोपल्यावर, आधी झोपायच मग उठायचं मग झोपली परी,
नाटकी ए नाटकी, तू नाटक कर दी। चलो ए वाइट है, ब्लू है, ओहो सेम सेम, वाव वाइट, येलो 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 सेम सेम, येलो येलो सेम सेम। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी बज चुके हैं 4 और परी अभी तक सोई है। मैंने अपना थोड़ा बहुत कुछ काम था वो कर लिया, और वीडियो ये जो आ रहा है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी अब तक मैंने एडिट करके रखा है। तो बस अभी ये क्लिप डालनी है और फिर उसके आगे जो भी आगे का होगा वो। तो अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मेरे माइंड में आया कि आप सबको परी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसके आप मुझे एक एक पूछते रहते हैं। जैसे कि मुझे बीच में आया था कि मैं परी का कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, बीच में आया था परी का वेट कितना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। और एक भी मैंने बोला ना कुछ तो क्वेश्चन था, उसका मुझे अभी आंसर अभी भी याद नहीं आया, वो क्वेश्चन ही याद नहीं आया। तो आपके जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे ना, आप इसी वीडियो के नीचे पूछ लीजिए, मैं एक प्रॉपर परी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी कि परी अभी 2.5 साल की है। तो जो भी आपके क्वेश्चन है, मुझे ये भी क्वेश्चन है कि परी क्या खाती है, ये सब सारी चीज़ें। तो आपके जो भी क्वेश्चन है ना, इस वीडियो के नीचे पूछे, मैं जल्दी से जल्दी अगर हो सके तो इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक के एक दो दिन में वो वीडियो बना के डाल दूंगी कि परी का पूरा जो भी क्वेश्चन आंसर का वीडियो होगा। परी भी 2.5 साल की है, उस अकॉर्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन होंगे ना, उसका मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी मैं थोड़ा अपना कुछ काम कर लेती हूँ, और भी मुझे एक दो काम बाकी है तो वो करती हूँ। मुझे कबर्ड भी साफ करना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है बहुत। मुझे ना अपने कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं मिलती, कम पड़ती है। तो अभी मुझे फिर से वो सब ठीक ठाक करना है, लेकिन अब देखते कब पॉसिबल होता है तब। तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद, मुझे थोड़ा बहुत काम भी है वो कर लेती हूँ, परी सोइए तब तक, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो अभी बज चुके रात के 9, और दोपहर के बाद का क्लिप मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए। तो मतलब शाम का इवनिंग रूटीन मैं मराठी चैनल पे डालूंगी। जिस दिन ये ब्लॉग आएगा उसी दिन शाम को 4 बजे आप प्रणु की परी, ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो देखिए, उसके ऊपर मराठी में ब्लॉग आएगा। एक्चुअली मैं फुल डे इसी में शेयर करने वाली थी, लेकिन ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, हो लावते 20 या 22 मिनट का कुछ हो गया है, तो फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें शेयर नहीं किया आगे पूरा दिन का रूटीन। तो अगर आपको पूरे मतलब इस दोपहर के बाद का देखना हो तो आप शाम को 4 बजे देखिए प्रणुची पर ये चैनल पे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर बाय बाय।